हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं डायनासोर किंग एंड इस गेम प्ले का पार्ट 23। और हाँ दोस्तों, हमने वहाँ चैनल पर डायनासोर किंग सीरीज के और भी कैसे एपिसोड्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने एपिसोड्स अब तक नहीं देखा तो फिर आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम यहाँ पर रुक चुके थे, अब इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गांव पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम देखने वाले हैं कि इस गांव के सूखने के बाद क्या होगा, ये हमें बता रहे हैं रेड यू लाइक टू बेट डिग न्यू। हमें कुछ नई खुदाई भी करनी होगी और इसके बारे में हमें ये कह रहे हैं श्योर आई हेल्प, इसमें हमारी मदद भी कर रहे हैं। आई मीन टू एमरजेंसी, लेकिन इनमें कुछ एमरजेंसी भी है अनओवर द उसके बारे में, तो हमें कुछ और ही पता लगाना पड़ेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से हमें वो एक आदमी मिलता है जो हमें एक अजीब सी कैप पहना हुआ था। उसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन वो कुछ जाइंट बॉडी के बारे में कुछ बता रहा था। आई थिंक वो यहीं खड़ा रहता है। हाँ, यहीं खड़ा है। जैसे पूछता हूँ कि आप इस बार में जाइंट बॉडी दे ही दो, जाइंट बॉडी का वैसे यूज़ कहा है। मैं जैसे पूछता हूँ, ये हमेशा भाग जाता है और यहाँ से छू मंत्र छू हो जाता है। लेकिन मुझे इस बार इससे बात करनी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वापस डिसाइड जाऊँ, वहाँ से कुछ क्लूज का पता निकालूँ। सो आई थिंक मेरे दोस्तों, कुछ दिनों पहले हम यहाँ पर जब आए थे स्टार्टिंग टाइम में, हमें विलेज का एल्डर मिला था। उन्होंने हमें किसी लेक के बारे में बताया था। सो उस लेक का मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाया। हम पुरानी जगह से वापस जाकर ट्राई करने वाले हैं जहाँ पर हमें पहले आकर रुक गए थे। इसी हम इस रास्ते से गए थे और वहाँ पर जाकर हमें एक चेस्ट मिला था, जिसे हमने खोला था, हमें कुछ डायनो ड्रिंक मिली थी। देखते हैं यहाँ पर तो कोई लेक फिलहाल है नहीं। आई थिंक इसके सामने भी एक रास्ता था जिसमें हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। ओह माय गॉड, यही लेक है दोस्त, यही लेक है। यू गॉट अ ड्रैगन स्कूल दोस्त, हमें ड्रैगन स्कूल मिल चुका है। इट्स अ ग्रेट, आई गॉट अ ड्रैगन स्कूल, आई सपोज टू बी पुट इट। लेकिन हमें इसे कहाँ रखना है इसके बारे में हमें बताया नहीं है। मैं थोड़े ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताया रैक्स। तो रैक्स हमें बताओ कि इसका क्या इस्तेमाल करना है। रैक्स, आई डोंट आस्क द विलेजर एल्डर। दोस्तों, हमें यहाँ के जो गांव का मुखिया है उससे अगर बात करनी होगी। अ गुड आइडिया मैक्स, गोड द कोबी विलेज। दोस्तों, हमें गोड विलेज जाना होगा, वहाँ का जो विलेज का एल्डर है उससे बताना होगा कि हमें ऐसे दिक्कत मिला है। टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके हम जाने वाले हैं गोबी विलेज। दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं गोबी विलेज में वापस और हम जाने वाले हैं उस एल्डर के घर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वही घर है। आई थिंक एक बार चेक कर लेना चाहिए, साइन बोर्ड लगा हुआ एकदम एल्डर हाउस। दोस्तों, ये एल्डर हाउस है। आप यहाँ पर हम चुके, अब हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है। ये गॉट अ ड्रैगन स्कूल, ये हमसे पूछ रहा है ड्रैगन स्कूल, और ये बहुत ज़्यादा शापित ड्रैगन स्कूल है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा। यू गॉट, और विलेज एंटर हमसे पूछ रहा है कि ग्रेट यू वांट टू टेक दिस, लेकिन हमें कहाँ से मिला इसके बारे में हमने इन्हें अभी तक बताया नहीं है। ओके, सॉरी, हमें बताना बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमने इसे कहाँ से उठाया था। तो सबसे पहले तो हमें बता देते हैं कि हमने कहाँ से उठा के लाए हैं ड्रैगन स्कूल को। हमने यहाँ पर इन्हें बता दिया है। पुट द ड्रैगन स्कूल बैक द लेक, हमने लेक की तरफ, लेक की तरफ से उठाया था, साउथ ईस्ट की तरफ जो लेक है जिनके बारे में बताया था। गॉट इट, यू काउंटिंग ऑन अस। दोस्तों, इनकी उम्मीद बिल्कुल हम पर टिकी हुई है। स्टिल सीम्स लकी, दोस्तों बिल्कुल बिजी हैं, और ये अल्फा गैंग की वजह से परेशान भी, क्योंकि यहाँ पर एक ड्रैगन स्कूल अल्फा गैंग की तरफ से हो सकता है। एक में भी वेल एज वी क्लियर, एक बात हमने क्लियर कर दी थी कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो चुकी थी, बिल्कुल भी उसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। डील तो अल्फा गैंग, हमें अल्फा गैंग के साथ एक डील भी करनी है। वो क्या डील करनी है वो तो हमें आगे जाके ही पता लगेगा। अल्फा गैंग से कुछ डील, और दोस्तों मैंने इसे पहली बार देखा, यहाँ तक आज तक देखा नहीं। दे आर अनदर गाय, ये कोई अनदर गाय है, इसे हेल्प टू डार्क हीलिंग हाइडिंग ऑफ हेडिंग डार्क वुड। दोस्तों, ये डार्क वुड की हेडिंग है, आई थिंक ये शीर्षक है डार्क वुड, इसके बारे में शायद ये कुछ जानता होगा। डार्क वुड में शायद अल्फा गैंग छुपी हुई है, तो डार्क वुड में जाकर कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर कुछ मिल सके। ये तो डार्क वुड फॉरेस्ट है, डार्क वुड अलग जगह है, मीन्स दो जगह हैं जहाँ पर डार्क वुड और डार्क वुड फॉरेस्ट है। तो मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मुझे और क्लूज भी मिले, इससे मैं आगे की स्टोरी को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाऊँ। इससे तो मुझे कुछ पूछने का फायदा है नहीं, मैं इस स्टोन को हटा भी नहीं सकता। आई थिंक यहाँ पर एक और भी है जहाँ से मैं बात कर सकता हूँ। पहले इन्होंने मटा से कूड़ा ऐसी कुछ मांगा था जिसमें पिछली बार में जब मैं आया था, वो शायद ईस्ट की तरफ है इंसान, वो मुझे उससे ही पूछना होगा। इट मे बी, हो सकता है। तो हम ट्राई करने वाले हैं, सबसे पहले वापस जाने वाला हूँ गोबी विलेज। तो गोबी विलेज में वापस आ चुका हूँ, अब ऊपर जाकर मैं सबसे पहले देखूंगा कि वो इंसान मुझे कहाँ मिलता था। इट में भी यहाँ हो सकता है। हाँ दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं वापस इस जगह, और यहाँ से पहुँच जगह हमें नीचे की तरफ मिलता था। आई थिंक वो किसी पेड़ के पास खड़ा होता था और हमसे कोई अजीब सा फॉसिल मांगता था। मटा से कोड ऐसे कुछ का नाम था। हाँ, ये रहा दोस्तों, हमें मिल गया है। इससे पूछते हैं, हमें किसी मटा से कुआया, जैसे किसी मटा से कुआया की जरूरत है। आई थिंक वो हमें कुछ टाइम पहले भी मिला था। आई हैव अ मिस्ट्री फॉसिल, दोस्तों इनके पास कोई मिस्ट्री फॉसिल है, इट वाज फॉरबिडन गए, और इसे उसे देंगे जो इनके हमें इन्हें कुछ ढूंढ के देंगे। इन्हें आके जरूरत क्या मटा से कुआया की। तो दोस्तों, अगर हमें मटा से कुआया दें ट्रेड करें इनके साथ, तो ये हमें दे सकते हैं। हम इनके साथ ट्रेड करने के लिए बिल्कुल ओके हैं।
हमने इसका ट्रेड कर भी दिया है और हमें मिल चुका है एक मिस्ट्री फॉसिल और हमें इन्हें देना मोटासिक्वा। तो दोस्तों हमें बिल्कुल दे देते हैं, तो हमारे तो किसी काम का है नहीं मोटासिक्वा, लेकिन मिस्ट्री फॉसिल हमारे बहुत काम आएगा, हम इनसे दोबारा ट्राई करके देखें। तो ये तो इन्होंने सिर्फ याद के तौर पर लिया, इसके लिए हमने इन्होंने हमें एक मिस्ट्री फॉसिल दे दिया। बहुत अच्छा, हम इसका इस्तेमाल तो फिलहाल यहाँ नहीं कर सकते, हम मैं वापस डी साइड जाऊँगा और मिस्ट्री फॉसिल से देखूंगा कि कौन सा डायनासोर निकलेगा। तो दोस्तों इस गेम में हमारे पास नया डायनासोर आने वाला, तो दोस्तों आप अभी एडवांस में गेस करो कि मेरा कौन सा डायनासोर निकलने वाला है। तो दोस्तों अभी आप वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले आप कमेंट में जाकर लिख दो कि आपको क्या लगता है कि मेरा कौन सा डायनासोर निकलने वाला है। तो मैं कोशिश करने वाला हूँ, ट्राई करूँगा कि अच्छे से डायनासोर निकालने की। तो आई थिंक मैं सबसे पहले बैग ओपन करके चेक कर लेंगे, मेरे पास हम दो फॉसिल है, एक यूरोपियन फॉसिल भी है जिसमें मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो यूरोपियन फॉसिल को भी क्लियर करूंगा, मिस्ट्री फॉसिल को भी खोल के देखूंगा क्या क्या निकलेगा। तो सबसे पहले हम जाने रेस्टोरेशन रूम में, रेस्टोरेशन रूम में आगे सबसे पहले मैं खोलूंगा मिस्ट्री फॉसिल। तो दोस्तों गेस करने का टाइम आ गया है, दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि कौन सा डायनासोर हो सकता है इसमें, हम अच्छे से तरीके से क्लीनिंग करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल पहले चेक करते हैं कि इसकी बॉडी को किस तरह से डायनासोर दिखता है। आई थिंक दोस्तों इसके हाथ छोटे हैं, पूंछ लंबी है, पैर लंबे हैं और इसका सिर कैसा है, सिर का पता लगाना होगा, सिर इसका बड़ा है, हाथ छोटे हैं, सिर बड़ा है। दोस्तों मेरे ख्याल से ये कोई फायर टाइप डायनासोर है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ इसके बहुत छोटे हैं, टेरी की तरह है, पैर लंबे हैं और सिर बड़ा है। ये कोई फायर टाइप डायनासोर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पक्का टेरी ही होगा, आई थिंक कोई फायर टाइप ही है। ओ दोस्तों मैंने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल फायर टाइप ही, ये निकला है हमारा डेस्प्लेटोसॉरस। दोस्तों फाइनली हमारे पास एक फायर टाइप डायनासोर भी आ चुका है, डेस्प्लेटोसॉरस। वैसे हमारे पास एलियोरोमस भी था, लेकिन उसका आज तक हम लोग इस्तेमाल कर नहीं पाए, पता नहीं वो डिसेबल किस तरह से हो गए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि डिसेबल डायनासोर को किस तरह से ठीक करना है, तो अगर आपको पता हो तो आप मुझे कुछ बता सकते हो। तो अभी मैं जहाँ पर साफ करने वाला हूँ यूरोपियन फॉसिल को, ये भी कोई अलग ही डायनासोर है आई थिंक। इसके बारे में शायद डायनासोर मुझे पहले भी मिल चुका है, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मुंह छोटा है, पैर भी इसके एक बराबर है, हाथ भी एक बराबर है। आई थिंक दोस्तों चार पैरों पर चलने वाला डायनासोर है, लेकिन ये पैरासोरोल्फस तो नहीं हो सकता, क्योंकि पैरासोरोल्फस के पीछे एक सींग था। तो इसका सिर बिल्कुल चपटा है, इट में भी ये हो सकता है इगुआनोडॉन। तो दोस्तों मेरा फाइनली आंसर बिल्कुल ठीक निकला, ये है इगुआनोडॉन। सो इगुआनोडॉन के मिलने के बावजूद भी हमें कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास कई सारे इगुआनोडॉन पहले से ही पड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब इसके आगे की मिस्ट्री को हम सॉल्व करने वाले हैं, हम आगे देखते हैं कि आगे कुछ हो सकता है कि। इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और डायनासोर्स को भी ऐड कर लिया जाए। एलियोरोमस को तो मैं फेंकूंगा निकाल के, किसी काम का नहीं है ये, अभी तक डिसेबल पड़ा हुआ है। स्क्विड करने का नया डायनासोर लोड करूंगा, यहाँ पे करूंगा एडमोंटोनिया। तो दोस्तों हमने फाइनली एडमोंटोनिया को यहाँ पे सेट कर लिया है, और मैं नए डायनासोर में थर्ड नंबर पर करूंगा मैं डेस्प्लेटोसॉरस। अब इट में भी अगर एडमोंटोनिया भी डिसेबल हो गया तो फिर मैं तीसरे डायनासोर का इस्तेमाल आराम से कर पाऊंगा, जैसे कि हमारे पास डेस्प्लेटोसॉरस है। तो सबसे पहले मैं डेस्प्लेटोसॉरस को ढूंढ लेता हूँ कि आखिर डेस्प्लेटोसॉरस मेरा है कहाँ। तो दोस्तों आई थिंक मेरा सबसे लास्ट में चला गया, ये रहा हमारा डेस्प्लेटोसॉरस। दोस्तों डेस्प्लेटोसॉरस के कुछ नए मूव कार्ड्स भी सेट करने वाला हूँ मैं, फिलहाल अभी नहीं, मैं आगे जाकर कुछ फाइट अगर जब भी मैं फाइट लूंगा जिसके आगे उसके मूव कार्ड्स भी सेट करूंगा। सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ कि आगे कुछ और मिल सकता है क्या इन्फॉर्मेशन। फिलहाल तो मैं वापस जाने वाला हूँ ऊपर की तरफ जाके देखूंगा कि कुछ, आई थिंक वो ब्रिज हम पार कर सकते हैं, अब इतना टाइम हो चुका है। आई थिंक मैंने कुछ दिनों पहले एक रिपेयर करने वाले को सेंड किया था बात करते समय, आई थिंक उसके उन्होंने वहाँ तक अब तक ठीक कर दिया होगा। सो मुझे जाकर देखना होगा वापस उसी जगह जहाँ पर मुझे वो लेडी मिली थी जिसको मैंने कुछ दिन पहले अल्फा ड्रॉइड से बचाया था। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आई थिंक यही, हाँ यही खड़ी रहती है। और दोस्तों यहाँ पर आदमी आ चुका है रिपेयर करने वाला। सो दिस इज अ ब्रिज इज नॉट फॉर सर्विस। दोस्तों ये ब्रिज बिल्कुल भी सर्विस के लायक नहीं है, ऐसा क्यों, व्हाट आर यू डूइंग सर? लेकिन सर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं जब आप इसे ठीक नहीं कर सकते? ओके हियर टू रिपेयर। ये इसे ठीक करने ही आया है, लेकिन इनका असिस्टेंट कहीं गया हुआ है, कमाल का असिस्टेंट है, कहीं घूम रहा है। ही वॉज सपोज टू ब्रिंग अ पार्ट्स ऑफ मीटिंग। इनका जो असिस्टेंट है वो पार्ट्स लेने गया है इस ब्रिज को ठीक करने के लिए, इसके बिना वो ब्रिज को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। क्यों बाउंड्री अक्रॉस, अगर हम इसे पार करना चाहते हैं तो गेटिंग द पार्ट्स, इन्हें पार्ट्स ला के देने पड़ेंगे जिन भी पार्ट्स की जरूरत है। हम इन्हें पार्ट्स ला के देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन्हें किसी तरह का स्टोन चाहिए, स्टोन वेट। दोस्तों आई थिंक मेरे पास स्टोन वेट पड़ा हुआ है, तो ये आगे देखते हैं, हम कोशिश करते हैं स्टोन वेट देने की। ये कह रहा है यू कैन डिग एंड फाइंड द एरिया, ये कह रहा है हमें आसपास खोद और हमें ला कर दे। आई थिंक मेरे पास है, मैं इनसे वापस कोशिश करता हूँ इनसे ट्रेड करने की, इनसे बात करने की, क्या ये हमारा स्टोन वेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। हे यू कैन फाउंड, हाँ भाई हमें बिल्कुल मिल चुका है स्टोन वेट, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करके हमारा ब्रिज ठीक कर सको तो बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने हमारा स्टोन वेट का लेकर हमारा जो ब्रिज ठीक कर दिया, राइट राइट।
रेड टेट टेट बैंक लाइन यू शुड टू डू इट। इसका मतलब क्या है? यू कैन यूज द ब्रिज नाउ। तो दोस्तों फाइनली इस ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक्स टू फॉलो टेक माई एपिक टोकन। इन्हें टोकन दिया है किसी एप्लीकेशन की तरह, चलो अच्छी बात है। सो इस बार हम ट्राई करेंगे, हम इन्होंने हमें फिर से मट्टा से कुआया, तो ये फिर से मिल गया, कोई बात नहीं। वाह नो गुड असिस्टेंट आई स्टिल आर रेडी टू फिक्स एनीथिंग। ये किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए हमेशा हर जगह रहते हैं और किसी भी टाइम आ सकते हैं। दोस्तों आखिरकार हमें एक रिपेयर करने वाले तो मिल ही चुका है गेम में, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। सो अब आगे जाकर इनसे हम डील करने की कोशिश करेंगे, क्या पता हमें एक फॉसिल दे सके। मटासे को है मेमोराइजिंग के लिए लिया था इन्होंने, ये दोबारा हमें कोई भी मिस्ट्री फॉसिल नहीं दे सकते, इनके पास आई थिंक एक ही था। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास डिस्प्लोरोसॉरस तो है, अब आगे ट्राई करने वाले हैं हम इस ब्रिज को पार करने। ओह माय गॉड सक्सेसफुली पार हो रहा है, देखो फ्रेंड्स इस ब्रिज ने इतना परेशान कर रखा था। सो ब्रिज तो हमारा ठीक हो गया है, आई थिंक यहाँ पर कुछ चमक भी रहा है, कुछ हो सकता है, उन्होंने लेक कहा था, दूसरा लेक है। हे रैक्स डू यू थिंक दैट यहाँ पर कुछ ड्रैगन स्कूल की तरह, ये ड्रैगन कोई ड्रैगन दिख रहा है मैक्स को। सो आई थिंक रैक्स को या प्रॉबली मैक्स रैक्स को भी कोई ड्रैगन दिख रहा है अंदर, आई थिंक ड्रैगन है। लेट्स ड्रैगन स्कूल राइट टू लेक, हमें यहाँ से ड्रैगन स्कूल उठा लेना चाहिए। साउंड बिल्कुल सही कह रहा है रैक्स। ओके रैक्स हमारा जो ड्रैगन स्कूल को उठाने वाला है, ड्रैगन स्कूल को रैक्स ने उठा लिया है बाय द लेक। वही क्या पानी के अंदर कुछ अजीब सी हलचल हो रही है, पानी से कुछ निकल के आ रहा है। हे ड्रैगन स्कूल आखिर वो क्या चीज़ है जो पानी के अंदर है, इसके बारे में मे बी आई वॉन्टेड टू रिटर्न लेक। मैक्स हमसे कह रहा है कि आई थिंक हमें ड्रैगन स्कूल को वापस इसके अंदर डाल देना चाहिए, कुछ है मैंने कहा था ना दोस्तों। ओ माई गॉड ये तो फुटावा सोरस है, हे दैट्स अ फुटावा सोरस सुजुकी, दोस्तों ये तो फुटावा सोरस है। ठीक है बात, बट एवरी वन मस्ट बी थॉट द ड्रैगन, लेकिन लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन है, लेकिन यहाँ पर तो फुटावा सोरस निकला। सो दैट ड्रैगन स्कूल इज एक्चुअली फुटावा सोरस। दोस्तों गांव वाले तो सोच रहे थे कि ये ड्रैगन है, लेकिन ये ड्रैगन नहीं ये फुटावा सोरस है। दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया हो गया, हम फुटावा सोरस देखने वाले, डोंट बी रेडिकुलस एंड स्टिल अलाइव। दोस्तों बहुत ज्यादा सोचने की बात है, अभी तक जिंदा है एंड माइट रिलेटिव समथिंग, आई थिंक हमें जो ड्रैगन स्कूल मिला था ये उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, ऐसी कुछ हो सकता है। ओ या मे बी इट मे बी मदर या फादर, दोस्तों हमें ड्रैगन स्कूल जो मिला है उसकी या तो मदर हो सकती है या फिर उसका फादर हो सकता है। एंड बैट टू बैट लुकिंग, और दोस्तों मैक्स हमसे शर्त लगा रहा है कि हमें ऐसे ही दिखता रहेगा। ओके हर टाइम होल टाइम, इट मे भी हो सकता है, हम ट्राई तो कर सकते हैं। आई थिंक यू ट्राइंग टू टेल समथिंग, और दोस्तों हमें लगता है ये शायद कुछ कहना चाह रहा है, मैक्स को ऐसा लग रहा है। आई थिंक आई वॉन्ट टू बैट, और रैक्स हमसे कह रहा है कि शायद हो सकता है ये हमें अपने पीछे बैठाना चाहता हो। सो अगर हमें पीछे बैठाएगा तो बहुत मजा आएगा, पहली बार हमें फुटावा सोरस की राइड करने मिलेगी, इस गेम में तो बहुत मजा आने वाला है। या आई थिंक राइट, चलो हम इसकी कमर पर बैठने वाला है फुटावा सोरस की, अब हम ट्राई करने वाले हैं फुटावा सोरस की राइड। आई वंडर वेयर यू टेक अस, आई थिंक हमें लेने के लिए तैयार है, लेट्स गो मैक्स। चलो सबसे ऊपर हम फुटावा सोरस के ऊपर चढ़ जाते हैं। ओके तो दोस्तों हम आखिरकार हम फुटावा सोरस ने हमें दूसरी जगह छोड़ दिया है, थैंक्स फुटावा सोरस, इसने हमें दूसरे आइलैंड पर छोड़ा है। तो दूसरे आइलैंड पर आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने ट्रीज हैं, आखिर ये हमें कहाँ छोड़ आखिर यहाँ क्यों छोड़ गया है। रैक्स देयर आर अ वे इनटू द फॉरेस्ट, दोस्त हमें फॉरेस्ट का रास्ता मिल चुका है, एक नया जंगल। मैक्स आई थिंक इट्स अ वंडरवुड फॉरेस्ट, दोस्तों ये वंडरवुड फॉरेस्ट है इसके बारे में मैं रॉड कहा था, दोस्तों दूसरा वंडरवुड फॉरेस्ट आई थिंक दो थे। रैक्स अ फुटावा सोरस डजंट वांट टू अल्फा गैंग, दोस्तों फुटावा सोरस अल्फा गैंग के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था, इसी वजह से वो परेशान था, इसी वजह से वो यहाँ छोड़ के गया है। आई मीन ब्रॉड द हेयर समथिंग अबाउट इट, और वो शायद हमें इसी वजह से यहाँ छोड़ के गया है। देर वॉज नॉट एनी कर्स मैक्स, दोस्तों हमारा मतलब फुटावा सोरस से बिल्कुल भी श्रापित नहीं है, वो बस यहाँ के फॉरेस्ट डिस्टर्ब होने की वजह से परेशान था, क्योंकि अल्फा गैंग ने यहाँ के फॉरेस्ट को डिस्टर्ब कर दिया था। जैसे कि हम देख सकते हैं मैक्स हमसे कह रहा है कि हम यहाँ पर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, हमें जल्दी जाना होगा आगे। राइट बिहाइंड यू मैक्स, हमारा रैक्स कह रहा है कि हम मैक्स पीछे चलने के लिए तैयार है। सो हम अंदर जाने वाले हैं फॉरेस्ट के अंदर, और हम फाइनली अंदर आ चुके हैं। सो दिस इज द वंडरवुड फॉरेस्ट, दोस्तों ये है हमारा वंडरवुड फॉरेस्ट। व्हाट्स अप विद द मिस्ट, दोस्तों आखिर यहाँ पे वंडरवुड फॉरेस्ट में हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे धुआं धुआं कैसे उड़ रहा है, ये अजीब सी मिस्ट कैसे उड़ रही है। दोस्तों मेरे ख्याल से यही वो अजीब सी हवा है जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी चल रही है, और शायद सेंटर ने यहाँ पर कुछ मशीन्स ऐसी सेट कर रखी हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करने वाले हैं डायनासोर किंग एडिस गेम प्ले के पार्ट 24 में, और दोस्तों पार्ट 24 भी जल्द ही आने वाला है। और हाँ दोस्तों हमने हमारे चैनल पर डायनासोर किंग सीजन 3 के न्यू एपिसोड्स की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, साथ ही साथ एंड स्क्रीन में सभी वीडियोस का लिंक है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डायनासोर किंग की ऐसी न्यू वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम मिलने वाले डायनासोर किंग की अगली वीडियो में, ओके बाय एंड कीप वॉचिंग डायनासोर किंग गेम प्लेस।